आज जो है लिबर्टी राउंड अबाउट पे मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक साहब के जो लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुस्तफा साहब, ये बताइएगा कि आज लोगों की काफ़ी गहमा गहमी है, यहाँ पे लोग बड़ी तादाद में अपनी फैमिलीज के हमराह जो है वो यहाँ पे जमा है, तो क्या मैसेज देंगे? इस महंगाई को कंट्रोल होना चाहिए और इमरान खान के विजन को हमें साथ लेकर चलना चाहिए। और सर, ये सिर्फ आज गहमा गहमी नहीं है, इमरान खान साहब ने जब कॉल दी है वो हर इंसान बाहर निकला अपने घरों से। पाकिस्तान के हर शहर में रिकॉर्डेड एहतजाज हुए हैं, रिकॉर्डेड जलसे हुए हैं। और जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई तो आप सबके सामने है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। चाहे वो अब कोई भी क्लास है, महंगाई उसे अफेक्ट कर रही है। वो पेट्रोल की प्राइसेस हो, वो खाने की प्राइसेस हो, या डॉलर की बढ़ती, वो कंट्रोल होता है फिर ऊपर जाता है। स्टेबिलिटी है नहीं मुल्क में। आप देख रहे हैं कि बाहर से अब जो पहले इनके ये जो दावे कर रहे थे कि बाहर से इन्हें सपोर्ट किया जाएगा, फंडिंग की जाएगी बाहर से, इवन कतर या उधर से इन्वेस्टमेंट्स होंगी, अब सब ने वापस खींच ली है क्योंकि इन पे कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। और हमारे मुल्क में जैसे स्टेबल गवर्नमेंट है नहीं, तो ये बहुत बुरे हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और अगर आज हमारी कौम ने फैसला ना किया तो इसके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। ये देखिए कितने अजीम लीडर हैं खान साहब। ऐसा लीडर दुनिया में है जो कश्मीर के एजेंडे के ऊपर भी बात करता है और इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। ये लोग तो सिर्फ जाते हैं सिर्फ कर्जा लेने के लिए और उनकी वो कहते हैं कि बूट पॉलिश करने जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ये अब आपके सामने है कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बने हुए 3 महीने 4 महीने हो गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि बहुत दावे किया करते थे वो भी आज फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने कश्मीर की बात की? किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी जो कि इंडिया के मजालिम है कश्मीर के टूवर्ड्स, उसके बारे में एक दफ़ा भी बात की गई? ना बिलावल जरदारी ने बात की, ना के जी जी आप जानिए ना हमारे इस क्राइम मिनिस्टर ने कभी बात की। तो आपके सामने ही है कि पाकिस्तान का लीडर कौन है और कौन अजीम लीडर है। बस इसी बात से जवाब मिलता है कि इमरान खान ने यूएन की असेंबली में खड़े होकर इस्लामोफोबिया की बात की। वो जो मौलाना फजलुर्रहमान है जो दीन के नाम पर वोट लेते हैं, उन्होंने तो मज़हब की आज तक बात नहीं की। कभी आपने किसी इशू में देखा हो कि उन्होंने कभी भी क्या कहते हैं इस्लाम या उसके लिए बात की हो? तो ये जवाब है आपकी बात का। चलिए, बहुत शुक्रिया। आखिर में एक नारा लगाते हैं, सरजमीन पाकिस्तान के नाम पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।